ये खबर हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर के शिवालिक नगर से, जहां शिवालिक नगर के L15 क्लस्टर में स्थित ज्वेलरी शॉप में 6 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें से एक बदमाश को व्यापारी ने मौके पर ही दबोच लिया, बाकी 5 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच में शुरू की है। दो मोटरसाइकिल पर 6 जने थे, तीन तीन जने बैठे हुए थे गाड़ी पे, और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी पे से उतर गए, दुकान में घुसे और तीनों पे कट्टे थे। तीनों ने ताने हमारे पर, कहने लगे सामान भरो। तो इतनी देर में उनने, एक ने मेरे सिर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की, मैंने जो है उसका बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया, और हम 2-3 जने बैठे हुए थे तो बस उसको पकड़ लिया, और बाकी के वो जो इसको छुड़ाने के लिए एक बंदा और उसका कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान बचा के वो भी भाग गया। कितना सामान लेके गए लगभग? अब मैं तो अभी बता नहीं सकता अभी, क्योंकि जितना है लेके जरूर गए, मेरा सामान यहाँ पर रखे थे जो, क्योंकि हम डिस्प्ले में भी लगाते हैं। आज की घटना तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिन दहाड़े बदमाशों ने इतना दुस्साहस किया कि एक सुनार के यहाँ एक व्यापारी के उस पर घटना से हमला किया, बल्कि उसको लूटा भी। मैंने उच्च अधिकारी से बात करी है, माननीय DG महोदय से मेरी भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने ये विषय लाया है, और उन्होंने कहा इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, और शिवालिक नगर की जो सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिस फोर्स की जो कमी है उसका निराकरण किया जाएगा और जो भी कमियां हैं दूर की जाएगी। देखिए, इस बार जो घटना हुई है उसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने साहस का परिचय दिया, उनको चोट भी आई, उसके बावजूद भी एक बदमाश को पकड़ लिया है, और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जल्द ही बाकी भी बदमाश हैं उनको पकड़ा जाएगा और इसका खुलासा करेंगे। सर, लगातार पिछली जितनी भी घटनाएं हुई थी उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे सबको पुलिस द्वारा पकड़ भी लिया गया और उसका सफल निवारण भी किया गया, पूरा जितने भी सामान गए थे उनकी भी अच्छी रिकवरी हुई है, बाकी उसमें जो एक दो फरार हैं उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है, और ये एक सेपरेट घटना है, और इसके अलावा यहाँ पे शिवालिक नगर में जो भी घटनाएं हुई थी उनका खुलासा हो चुका है।